राधे राधे, आज मैं कान्हा जी की दो रंग की ये सुंदर सी ड्रेस बनाकर लाई हूँ। ये देखिए, ये ड्रेस देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें दो रंग की ऊन चाहिए। मैंने सफेद और लाल दो रंग की ऊन ली है। आप इसमें किसी भी कलर की ऊन से इस ड्रेस को बना सकते हैं। ये चोली बनाने का तरीका मैंने आपको अपनी वीडियो में बता रखा है, और जैसे ये फंदे बढ़ाए हैं ये भी मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता रखा है। उसके बाद इतना बनाने के बाद हमें एक सीधी एक उल्टी इस तरह सिलाई बुनते हुए 12 सिलाई बनानी है। उसके बाद हमारा ये वाला डिजाइन बनेगा। इस तरह हमने ये 12 सिलाई सीधी उल्टी बना ली है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाते हैं। आपके पास जो भी दो कलर की ऊन है आप वही ऊन इसमें लगा सकते हैं। देखो, दूसरा कलर लगाने के बाद भी हमारी जो ये सीधे सीधे फंदों की लाइन चल रही है इसको हम ऐसे ही चलाएंगे। इस फंदे को या तो आप अभी ऐसे बीच में ले लीजिए जो हमने अभी जोड़ा है, या इसकी फिनिशिंग आप बाद में कर दीजिए ऐसे। ये बॉर्डर वाले जो हमारे फंदे हैं ये तो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। देखो, अब हमारे पास ये 86 फंदे हैं। अगर हम इसको नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी ड्रेस गोल नहीं फैलेगी, और अगर हम हर ड्रेस में जाली की तरह ही बढ़ाएंगे तो वो भी सब ड्रेसें एक सी सी लगेंगी। तो इसलिए अब हम यहाँ पर ये देखिए, ये हमने 3 फंदे ऐसे जो उल्टे थे वो बना लिए हैं जो हमारी बॉर्डर वाली लाइन चल रही है। अब हम एक फंदा और बुन लेंगे। अब ये देखिए, अब जो हमारा ये वाला फंदा है ये जो नीचे है यहां से हम ऐसे उठाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे सिलाई में लेके या ऐसे ही लेके इस तरह, तो आप इसको भी ऐसे बना लेंगे। तो ये हमारे एक के दो फंदे होते चले जाएंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे, देखो जैसे ये वाला हमारा फंदा है ऐसे लेंगे हम इस तरह, और ये इसको सिलाई में ऐसे ले लीजिए इस तरह ऐसे। अब ये एक के दो फंदे हो गए। अब हम इनको दोनों को ऐसे सीधा ही बुनेंगे। ये देखो, जैसे हमारा ये वाला फंदा है ये ऐसे, इसको ऐसे सिलाई में ले लेंगे और इसको ऐसे बुन देंगे। ये देखो, इस तरह हमारे अब ये दुगने फंदे हो जाएंगे। हम इस तरह बुनते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। देखो, इस तरह हमारी ये लाइन पूरी हो गई है। अब हम जो हमारी ये उल्टी वाली सिलाई है इसको भी हम पूरी सीधी सीधी बनाएंगे। अब हम जो इसमें डिजाइन बनाएंगे उसमें सभी सिलाई हम सीधी करेंगे, उल्टी को भी सीधी बनाएंगे, और सीधी तो सीधी बनानी है ऐसे। इस तरह देखो, इस तरह हमारी ये दोनों लाइनें पूरी हो गई हैं। अब हम इसमें जो हमारे बॉर्डर के फंदे हैं इनको तो हम सीधा बुनेंगे ऐसे। वैसे तो अब हमें सारी सिलाइयां सीधी सीधी बुननी है, अब बॉर्डर वाला तो रहा नहीं है। अब हमने जैसे 3 फंदे ये बुने, अब हम एक फंदा और यहाँ पे ऐसे बुन लेंगे। अब ये 3 फंदे बॉर्डर के हमारे, अब 1 2 3, अब हमने 3 फंदे बुने हैं।
और अब हम ऐसे ऊन आगे करके और यहां पर ऐसे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे बुने हमने सीधे सीधे। अब हम यहां पर तीन फंदों का एक करेंगे, ऐसे तीन फंदों को, या तो आप ऐसे ऊन आगे करके और ऐसे तीन फंदों को ऐसे घटा दीजिए, ऐसे आराम से घट जाते हैं तीन फंदे इस तरह। अब हम ऊन पीछे करेंगे, फिर पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, अब हमने पांच फंदे ऐसे बुने हैं। अब हम ऐसे ऊन को ऐसे आगे करेंगे और इस वाले फंदे में दोनों तरफ जाली बनाएंगे इस तरह। अब हम इसको भी मिला के एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने सीधे बुने, फिर हम ऊन आगे करेंगे। अब हम यहाँ तीन फंदों का एक कर देंगे, क्योंकि जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं वो हमारे साथ के साथ घटते जाएंगे। अब हम ऊन पीछे करेंगे, फिर हम पांच फंदे, एक दो तीन चार पांच, अब ऊन आगे करके फिर इस फंदे के दोनों तरफ फिर जाली बनाएंगे ऐसे, फिर ऊन आगे करके फिर पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर ऊन आगे करके फिर इन तीनों को एक साथ घटा देंगे इस तरह, फिर ऊन पीछे करेंगे और फिर पांच फंदे फिर बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, अब की बार जाली बनाएंगे, ऊन आगे करेंगे फिर इसमें ऐसे, फिर ऊन आगे करेंगे फिर ऐसे पांच फंदे फिर ऐसे ही बनाएंगे, इस तरह हम ये लाइन पूरी बनाएंगे। और जो उल्टी सिलाई आएगी उसको भी हमें सीधा बनाना है। देखो इस तरह हमारी लाइन पूरी हो गई है। अब हमने यहाँ पे हमारा घटाने का नंबर था तो हमने तीन के एक घटाए थे, अगर हम यहाँ पे जाली नहीं बनाएंगे तो यहाँ से हमारा एक एक फंदा कम होता रहेगा, तो अब हम यहाँ पर एक जाली बना लेंगे इस तरह। ये देखो जब आप ये बुनेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बार तो तीन जैसे घटाया आपने और एक बार आपका जाली आएगी, और एक बार घटाना है तीन का एक करना है और एक बार एक फंदे के दोनों तरफ जाली बनानी है। इस तरह आपके जितने फंदे घटेंगे उतने ही फंदे साथ के साथ बनते रहेंगे, और शुरू में आपको बस एक एक जाली बनानी है, दोनों तरफ नहीं बनानी है, नहीं फिर आपका फंदा ज्यादा होता चला जाएगा। अब हम ये उल्टी वाली सिलाई पर आ गए हैं, अब हम इसको भी सीधा बनाएंगे। इस तरह देखो, अब ऐसे बनाते बनाते हम ये तीसरे वाले इस वाले कलर पर आ गए हैं, मतलब ये हमारी दो सिलाई की एक लाइन बन जाती है, ऐसे हम तीसरी लाइन पर आए हैं। अब हम जो बॉर्डर वाले फंदे हैं उनको ऐसे ही बनाएंगे इस तरह, यानी आपको जहां आपने घटाए थे वहां पे आपको घटाने हैं और जहां आपने बढ़ाए थे वहां पे आपको बढ़ाने हैं। तीन फंदे हमारे बॉर्डर के थे, तीन हमने और बनाए थे। अब हम यहीं पर तीन फंदे बुनने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा बुने थे फिर एक जाली बनाएंगे ऐसे, अब फिर एक जो हमने ये वाला फंदा बुना है इसको भी मिलाकर पांच फंदे बनाने हैं, दो तीन चार पांच, जहां आपने पांच फंदे बुने थे वहां पे आपके पांच ही फंदे रहेंगे। अब आप ऊन आगे करके
देखो यहाँ पे आपने तीन फंदों का एक करा था, ये हमारा बीच का फंदा है, एक इधर से आ गया और एक इधर से, और ऐसे फिर हम तीन का एक कर देंगे इस तरह, फिर ऊन पीछे करेंगे, फिर ऐसे पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। अब ये हमारा बीच का फंदा आ गया जिसके हमने इधर उधर जाली बनाई थी। अब ऐसे करके हम जाली बनाएंगे, फिर ऊन आगे करके, फिर अब हम यहाँ पर फिर ऐसे ही पांच फंदे बनाएंगे ऐसे, फिर ऊन आगे करके, फिर हम तीन का एक करेंगे इस तरह। हमें इस डिजाइन के ऊपर जैसे हमने पहली लाइन में डिजाइन बनाया था ऐसे ही डिजाइन के ऊपर डिजाइन बनाते हुए हम इसको बनाएंगे। देखो इस तरह हमने ये 14 लाइनें बना ली हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात लाइनें हैं और हमने दो दो सराई की एक लाइन है, तो 14 लाइनें बुन ली हैं। अब हम इसको सबसे पहले ऐसे एक फंदा इस तरह बुनेंगे ऐसे। अब हम बुने हुए फंदे को इस वाली सराई में ले लेंगे और अब इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे ऐसे। अब इस वाले फंदे को इस सराई में ले लेंगे, फिर ऐसे दो फंदों को एक साथ फिर इस वाले फंदे को इसमें ले लेंगे, फिर ऐसे दो का एक। देखो जो हम फंदा बुनते हैं उसको इसमें ले लेते हैं और फिर दो फंदों का एक कर देते हैं, तो इस तरह अब हमारे ये फंदे घटने शुरू हो गए हैं। अब हम इस तरह इन सभी फंदों को ऐसे घटा देंगे, इस तरह ये देखिए इस तरह हमें अपने सारे फंदे घटाने हैं। देखो इस तरह हमारे कान्हा जी की ये सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये देखिए ये यहां से देखिए कितने सुंदर कटाव आए हैं इस वाली ड्रेस में, ये देखो ये, और ये यूनिक सी ड्रेस कान्हा जी को पहनाकर भी बहुत सुंदर लगेगी। देखिए आप सलाई से भी कान्हा जी की ड्रेस के कितने सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हो। देखो अब हम हाथ से ही इस ड्रेस में डोरा बना के डालेंगे कान्हा जी की। जैसे मैंने दो रंग की ड्रेस बनाई है ऐसे ही मैं ये दो रंग की ऊन ले रही हूँ इस तरह। ये हम कम से कम एक मीटर के लगभग ऐसे ऊन को लेके और ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह। ये देखो जितना भी लगता है आपको डोरा डालना है इतना डोरा इतना हम इसमें लेंगे इस तरह ऐसे। अब हम इसको यहाँ से काट देंगे। अब देखो अब हमारे ये चार धागे हो गए हैं। अगर आप पतला डोरा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ दो धागे भी ले सकते हैं, अगर आपको मोटा बनाना है तो ऐसे चार धागे हो गए हैं। अब हम इधर वाले धागे को अपने अंगूठे में लगाएंगे। देखो अपने पैर के अंगूठे में लगाकर आप इसमें ऐसे इस तरह से अलबेड़ देते रहेंगे इस तरह, खूब अच्छे से अलबेड़ दे लेंगे इस तरह, ऐसे दे लीजिए या अपनी हथेली पे जैसे भी आपको सही लगता है, पर इसमें बहुत सारे अलबेट देने हैं आपको। देखो इस तरह हमने इसमें बहुत सारे अलबेट दे लिए हैं। देखो अलबेट आने के बाद कितना बारीक सा लगने लगा है। अब हम अपने अंगूठे में से इसको निकालेंगे। ये देखिए ये मैंने अंगूठे में से इसको निकाल लिया है। अब हम इसको और इसको ऐसे पकड़ेंगे इस तरह और इसको ऐसे ऐसे छोड़ देंगे इस तरह करके एक दो अलबेट देके। ये देखिए इस तरह ये डोरा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए अब हम इसको यहाँ पर ऐसे एक गांठ लगा देंगे जिधर से हमारे सब धागे खुले हुए हैं।
इस तरह। अब हम इसको यहां से एक सार करके काट देंगे। ऐसे ये देखिए, अब हम इधर से ये जुड़ा हुआ है किसी चीज से पकड़ के, ऐसे, या तो किसी पिन में लगा लीजिए, किसी भी चीज में लगा लीजिए, हाथ से डालेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इस तरह ऐसे एक एक जाली में से ऐसे निकालते रहेंगे, एक एक जाली में से इसलिए निकालेंगे जिससे डोरा डला हुआ भी सुंदर लगे। देखो इस तरह हमारे डोरा डल गया है। अब हम इधर भी ऐसे गांठ मार लेंगे, जितनी दूरी भी हमने इसमें मारी है ऐसे ही इधर भी ऐसे। अब हम इसको भी ऐसे कैंची से काट देंगे। ये देखिए इस तरह ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस में डोरा भी डल के तैयार हो गया है। यहाँ पर आप सुंदर से बटन भी लगा सकते हैं ऐसे, जिससे जब ये कान्हा जी को पहनाओगे अगर इसमें सुंदर से बटन लगे रहेंगे तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। ये देखिए इस तरह का हमारे कान्हा जी की ये सुंदर सी ड्रेस बन के तैयार हो गई। इस डोरे को आप और लंबा डालना चाहें तो और बड़ा डाल सकते हैं, फिर आप थोड़े से धागे बड़े लेना इस तरह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।